हेलो नमस्कार दोस्तों, कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में सीबीआई टीम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। सीबीआई टीम शुक्रवार शाम को बाड़मेर पहुंच गई। सीबीआई टीम ने बाड़मेर सर्किट हाउस में अस्थायी ऑफिस बना लिया है। टोटल सीबीआई टीम में कुल 6 सदस्य आए हैं। सीबीआई टीम के लिए सर्किट हाउस में 2-3 कंप्यूटर प्रिंटर और स्कैनर सहित आवश्यक उपकरण लगा दिए गए हैं। सीबीआई टीम ने बुधवार को एफआईआर दर्ज की थी और कल शाम बाड़मेर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकार सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने बाड़मेर पुलिस प्रशासन से गुरुवार को संपर्क कर लिया था। पुलिस को आने की सूचना दे दी गई है। पुलिस ने सीबीआई टीम के रुकने के लिए बाड़मेर सर्किट हाउस में बंदोबस्त कर दिया है। सीबीआई बाड़मेर सर्किट हाउस में रहने और ऑफिस के लिए 5 रूम बुक किए गए हैं। सूत्र बता भी रहे हैं कि सीबीआई कल से धरातल पर जांच शुरू कर देगी। अब अनुसंधान में यह साफ होगा कि कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में कौन दोषी था कौन नहीं था, इसके आखिर क्यों एनकाउंटर किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोई सोची समझी साजिश या उनकी हत्या के प्रयासों के लिए किया गया या स्थानीय पुलिस का षड्यंत्र था। फिर कमलेश की मौत उसे पकड़ने के लिए पुलिस ऑपरेशन के दौरान अचानक उत्पन्न परिस्थिति की वजह से हुई। इसके लिए भी सीबीआई टीम बाड़मेर में शुक्रवार को कभी भी पहुंच सकती है। आपको बताते हैं, गत 23 अप्रैल को कमलेश प्रजापत एनकाउंटर पर लगातार उठ रहे सवालों और भारी विवाद के बाद राजस्थान सरकार ने सीबीआई जांच के लिए 31 मई को नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। इसके आधार पर केंद्र ने 2 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर सहमति दे दी। केंद्र ने नोटिफिकेशन के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमलेश एनकाउंटर की जांच सीबीआई से करवाने की अनुशंसा केंद्र को भेजी थी। इसकी सिफारिश चिट्ठी और पूरे केस के दस्तावेज केंद्र सरकार को भेज दिए थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आखिर 2-3 महीने के प्रयास के बाद कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आपसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।